इस देश की आजादी नहीं है। इस आजादी को कायम रखना हम लोगों का फर्ज बनता है और हम लोग इकट्ठे होकर हर जो सरकार गलत काम करेगी हम सभी लोग इकट्ठे होकर उस पर लड़ाई लड़ेंगे। हमें एक रास्ता यही सूझ रहा है कि हमने जो सरकार बनाई है उससे हम अपने अधिकार किस तरह ले सकते हैं। ये किसान आंदोलन में हम लोगों ने अपनी जो सभी प्रांत सभी लोग सभी धर्म सभी जो इकट्ठे हुए थे तभी हम लोगों ने कुछ जीत हासिल की थी और वही रास्ता यहाँ हम लोग ले रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक सभी लोग, कोई धर्म नहीं है, कोई प्रांत नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम लोग सभी मिलकर इन बच्चों की जो इनके साथ अन्याय है उसके लिए लड़ेंगे। हमारे देश की हालात आजकल बहुत खराब है, आप लोगों को सबकर मिलकर लड़ना पड़ेगा। कहां कहां पर हम आपको इनके अन्याय की बात बताएं, बिल्किस बंदों का जो हुआ है, जो इनके देशों को हुआ है, जो लखीमपुर के किसानों को गाड़ी चढ़ा दी थी मिनिस्टर के बेटे ने, क्या हुआ उसका? क्या हमारे पास अब शहीदों की कुर्बानियां से ली हुई है आजादी के लिए हमें उतनी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि यहाँ पर इस सरकार में गुंडागर्दी शुरू हो गई है। गलती हमारी है, प्रजातंत्र है, हम लोग इनको चुनते हैं। अगर हमने चुना है तो इन जो गलत है उसके लिए हम लड़ेंगे और उनको जेलों के पीछे पहुंचाएंगे। हम सब हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई सब इन बच्चियों के पीछे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा धर्म है, हमारे देश की नारी को सबसे ऊपर रख का दर्जा दिया है, हम उस पवित्रता को बनाए रखेंगे। हम अपने बेटियों के पीछे तब तक खड़े हैं जब तक दोषी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपके बीच में दूध का दूध पाने का पानी हो जाना तो मेरी मांग है कि फिर बुजुर्गों का लाभ उठा होना चाहिए। मेरा नाम अपने असम है, मैं प्रदेश से आया हूँ। हेलो, हाँ प्रदेश में, हाँ जी, थोड़ा सी दे सकते हो? हाँ, सिंगल 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 भी पकड़ा है, घनी कसूती भीड़ हो रही है और सारे भीतर मीटिंग में जा रहे बोलने वाले सारे, कम से कम भी 300-400 आदमी है।